आप सभी का स्वागत है मेरे स्मार्ट स्टडी माइंड ऑफ चैनल पे। आज हम आपके लिए शिक्षा निदेशालय से आपको दी जाने वाली कार्य पुस्तक नंबर 8 जो कि क्लास 6 की है, विषय आपका हिंदी है और डेट आपकी 30 जुलाई 2021 की है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। चलिए देखते हैं हमारा आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वर्कशीट। देखिए कुछ हमारे कुछ गेम्स दिखाई दे रही होंगी। प्यारे बच्चों खेलो, खेलों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। शरीर स्वस्थ में स्थिति मस्तिष्क का निवास होता है। मतलब क्या बोला जाए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मुझे विश्वास है कि आप भी पढ़ाई के साथ साथ कोई खेलने में अवश्य रुचि रखते होंगे। तो आइए कुछ चर्चा करें कर लेते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर को क्या बोला जा रहा है। कुछ पहले पिक्चर देते कौन कौन सा, इसमें पहला कौन सा है फुटबॉल, उसका सेकंड है हॉकी, उसका थर्ड है हमारा क्रिकेट, है ना। नेक्स्ट देखते प्रश्न, देखते अपना प्रश्न नंबर 1 क्या दे रहा है। प्रश्न 1, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर इन सभी खेलों के नाम बताइए। तो हमने अभी पढ़ते थे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा बैडमिंटन था। और याद कीजिए, अब देखिए जरा सोचिए, याद कीजिए और साथ वाले बॉक्स में लिख दीजिए कि आप इन चार के अलावा और कौन कौन से गेम खेलते हैं। तो अगर आप कुछ जोन से भी गेम खेलते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन खेलों में संबंधित दो दो लड़कियाँ के नाम लिखिए हैं, मतलब कि हम दो दो नाम लिख सकते हैं। मतलब कि फुटबॉल है, मतलब कि अब इसमें मतलब कि क्रिकेट कहा गया है ये हमें बताना है। अच्छा चलिए करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड का आंसर। चलिए तो चलिए करते हैं सॉल्व। देख हम देख सकते हैं पहले हमारा फुटबॉल हो सकता है, फुटबॉल था, हॉकी था और क्रिकेट था और बैडमिंटन था, है ना फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा था प्रश्न 2 था, इन खेलों में संबंधित दो दो लड़कियों के नाम लिखे। तो मैसी, रोनाल्डो, मेजर धनसान, मेजर चिन्ह, राहुल देवर, विराट कोहली, सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु, है ना। जो घर के बाहर खेलते हैं उनके नाम, अब देखिए कौन सा हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस और साइकिल दौड़, है ना फ्रेंड्स। ये हमने ये तीन, है ना, ये हमने अच्छे कर लिए। तो अब इसको अभी आपने नहीं करा तो आप आराम से अच्छे से इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये करा था बॉक्स में, फिर से बताते क्रिकेट कि दीव कौन कौन से खेल खेलते। तो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस और साइकिल की दौड़ की भी हम ये बाहर घर के बाहर खेलते हैं ना फ्रेंड्स, है ना। और मतलब कि ऐसे कौन से नाम है जो घर के बाहर खेलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और हमारी तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। एक बार फुटबॉल हम फिर से करते हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, है ना। आज पिक्चर दिखाई देते हैं जो खिलाड़ियों के नाम, मतलब कि मैसी, रोनाल्डो, मेजर ध्यानचंद, मनजीत सिंह, राहुल देवर, विराट कोहली, सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु, दो जो घर के बाहर खेलने थे उनके नाम, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और टेनिस और साइकिल दौड़, है ना फ्रेंड्स। तो ये हम लिख सकते हैं। ओके और भी कुछ चाहे तो अब देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए मैं अब आगे वर्कशीट में देखते क्या कहा गया है। देखिए अब देखिए हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हमारा कौन सा हॉकी, हमारा कौन सा हॉकी, है ना। आपको बताओ क्वेश्चन नंबर 4 था, आपका मनपसंद खेल कौन सा, उसे विषय पर 5 वाक्य लिखिए। ऐसे कौन सा खेल पसंद हम लिखते हैं ना, आजकल हमें यहाँ पर क्या दिया, जो घर के अंदर खेलते हैं उनके नाम लिखिए। तो अंदर खेले जाते हैं, अभी हमारा इंडोर नेम बोला जा रहा है, पहले तो हमारा आउटडोर था ना। चलिए चलिए करते हैं इनका आंसर। ये देखिए हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अब देखिए हमारा मनपसंद खेल कौन सा है, उनके विषय पर 5 वाक्य लिखे। तो हम क्या लिख देंगे, मेरा मनपसंद खेल क्रिकेट है, क्रिकेट भारत में अब बहुत प्रसिद्ध खेल मनाया गया है ना। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, क्रिकेट खेलने के लिए बैट और बल्ले सबसे ज़रूरी है, मुझे सिक्सर मारने में बहुत मज़ा आता है ना। तो अब ये अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जब देख जो हमारा यहीं पे था वो देखते हैं अब क्या बोला जा रहा है, ये देख सकते हैं जो घर के अंदर खेलते हैं उनके नाम, तो कैरम बोर्ड, लूडो, शतरंज, सांप और सीढ़ी, साथ के पत्ते और मुक्केबाजी, है ना। हम अपना भी फिर से अंदर की बात करते हैं, कैरम बोर्ड, लूडो, शतरंज, सांप और सीढ़ी, ताश के पत्ते और मुक्केबाजी, आप अंदर लिख सकते हैं, अंदर इंडोर गेम्स लिख सकते हैं ना। हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।